हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे पर बारी मंदिर के पास आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क निर्माण में लगी कंपनी की लापरवाही के कारण एक मिक्सचर सड़क से नीचे पलट गया। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। कंपनी की ओर से डंगे लगाने के लिए जगह जगह पर खुदाई की गई है, लेकिन काम पूरा न होने के कारण आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। आज सुबह भी वही हुआ और मिक्सचर सड़क से नीचे लुढ़क गया, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बिरधी जी, आज एक्सीडेंट हुआ है तो इसका कारण क्या रहा यहाँ पे? जी तो गलती सड़क वालों की है, जो इन्होंने रोड कर रखा है सरगे खड़े। बरसात का मौसम, सड़कें ऐसी हुई बरसात से, डंगे दे नहीं रहे हैं। इतने हादसे पहले भी हादसे हुए यहाँ पे इतने पर, चलो मौत नहीं किसी की, उस बेचारे की मौत हो गई भी तो ये भी गलती कर रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं तो साथ साथ में डंगा लगाना चाहिए इनको। पता है भैया आजकल बरसात का मौसम है, बेचारा इतनी दूर से आ देखी इसकी मौत हो गई यहाँ पर। लापरवाह इनकी है, बस ये सड़कें ऐसे निकाल रहे हैं, काम जल्दी कर नहीं रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। उनका घर, बेचारों का घर तो खिल्ला पड़ गया ना, उनको क्या मिला भैया? एक दिन बेचारे को आयो, एक ने ऐसा हो गया, सरगे इतने इतने लंबे, अभी भी बसें इतनी जा रही है। कुछ हो जाए तो देखो कितने सरगे यहाँ पे खड़े हुए हैं, कौन जिम्मेवार है? काम लगाया हो ना तो इनको साथ साथ में जल्दी जल्दी कंप्लीट करो इस काम को, तो इनकी लापरवाही है। हम तो इतना ही कहते हैं बेचारे इसको कुछ मिल जाए, जिसका घर पड़ गया, बच्चे सब कुछ ऐसे रह गए। मैं लापरवाही इनको बोलो कि काम कर रहे हो तो भाई जल्दी जल्दी इसको साथ साथ में इसको काम पूरा करो भी। ऐसे लगा रहे हैं काम, कभी यहाँ कभी वहाँ, न सड़के पूरे डंगे लगा नहीं रहे हैं। अब देखो क्या हो गया आपके सामने। हम तो इतना ही कहेंगे भाई इसको बेचारे को कुछ दे दे सरकार, वो बस भाई सरकार ना इसको। हाँ, यहाँ NH3 का निर्माण कार्य चला हुआ है, ये कोर्ट से लेकर धर्मपुर तक चला हुआ है। और ये जो स्पॉट है, करीब 2 महीने से यहाँ पर खाई जो है खोदी गई है डंगे के लिए, और बहुत ही कछुआ गति से यहाँ पर ये काम चला हुआ है। इससे पहले भी यहाँ पर कई हादसे होते होते बचे हैं, लेकिन आज सुबह वीरवार को करीब सुबह 4:30 बजे ये मिक्सचर जो है यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसमें एक जो चालक था जिसका नाम रणजीत सिंह बताया जा रहा है, भामला सड़क घाट से, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यहाँ ये एक बहुत ही डेंजर जोन है, चढ़ाई के साथ साथ एक तीखा मोड़ है। करीब 1 दर्जन से अधिक एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन उन एक्सीडेंट्स में मौत नहीं हुई थी। ये पहला मौका है कि यहाँ पर एक्सीडेंट में मौत हुई है। तो बताएंगे मौत का कारण, मैं तो ये कहूँगा कि जो NH निर्माण कंपनी है उसकी लापरवाही है। कई बार उनको कहा गया कि ये डेंजर जोन है, यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर तीव्र गति से काम होना चाहिए था, लेकिन करीब 2 महीने से आप देख रहे हैं स्पॉट पर कि किस तरीके से काम चला हुआ है। और इन्हीं कंपनी का अपना आदमी उसकी एक बड़ी जो कंपनी ने दे दी। लोगों का आरोप है कि NH कंपनी मनमर्जी के तरीके से काम कर रही है, जिससे स्थानीय लोगों को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन वाहन चालकों को भी अपनी जान से हाथ धोने पड़ रहे हैं। अब बरसात के कारण इस रास्ते पर चलना और भी कठिन हो जाएगा। मेरा नाम करतार चंद आजाद। करतार चंद जी, आज एक मौत हुई है, पता है इसके बारे में क्या कारण मौत का सर? ये सब NH की लापरवाही है। हम पहले से भी कई दिनों से, 2 महीने से कह रहे हैं, पहले तो
कि हम खुदाई का काम किया तो रास्ता रुक गया, ट्रेन हमारा रास्ता ट्रैक्टर उतारना था, ट्रैक्टर वो पड़ रहा था, हमने उसको भी बचाया। सब एनएच की लापरवाही है, इन्होंने जो खुदाई का काम किया, हमने पहले कहा यहाँ पहले ही डेंजर डेंजर का रास्ता है, कि इसको है हम पहले कह रहे हैं भाई इसको पहले पूरा कर, तो कभी कहीं खुदाई करते हैं कभी कहीं खुदाई कर रहे हैं, 2 महीने से इन्होंने बहुत लापरवाही कर रखी है। ये ऐसा तिखा मोड़ है, हमने पहले कहा कि इसको जल्दी से जल्दी इस कार्य को निर्माण किया जाए, क्योंकि पहले भी यहाँ ट्रक मंदिर तोड़ दिया, हमारा ट्रक आया थे ऊपर से चढ़ाई का, ये है अपने रास्ता है ऊपर से कटिंग हुई है, वहाँ तंग रोड है, तो ये जो हादसा हुआ है ये सब एनएच की लापरवाही से हुआ है, कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। आपका मेरा नाम अजय चौहान है जी, मैं एक्स उप प्रधान हूँ ग्राम पंचायत टप्पे से। सर आज से ये मौत हुई था, उसके बाद उठता है इसके बारे में कैसे मौत हुई, क्या कारण मौत का? सर ऐसा है कि गांव वाले सूचना दी थी कि करीब 4:30 बजे जो एक्सीडेंट हुआ था, कि उनका जो टीएम था वो पलट गया, जिससे अपना सड़क घाट गई नज़दीक के भांगला वहाँ के चालक थे, उनकी यहाँ पर मौके पर मौत हो गई। और मैं इसका जो सीधा जो उसका जिम्मेवार मानता हूँ वो एनएच कंपनी को मानता हूँ, क्योंकि इनका जो निर्माण कार्य चल रहा है करीब 1.5 साल से करीब हो गया, लेकिन अभी रिजल्ट जो इनके जो रिजल्ट है अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट है बिल्कुल नील है, और यानी कम 2-2.5 महीने से इन्होंने रिटेनिंग वार के लिए अपने कटिंग तो कर दी है, लेकिन उन्हें डंगे लगाना ठीक नहीं समझा, जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं, और जिसकी वजह से एक बेचारे एक गरीब आदमी की गरीब चालक की मौत हो गई। इसके बारे में इसमें सर पता क्या है, इनको प्राथमिकता के आधार पर ही काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ मन मर्जी वाला काम चल रहे हैं, जहां का दिल करता वहां कटिंग करते हैं, उसके बाद 1 किलोमीटर जाकर कटिंग करते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान तो हो रहे हैं, और अभी वही आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है ना,